आज खोवे का गुलाब जामुन बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए खोवा आधा किलो लिया है, ये शुगरलेस खोवा है, आधा किलो लिया है। इसमें 100 ग्राम्स मैदा डालेंगे। इसका बाइंडिंग के लिए मैदा डालना पड़ता है। इलायची 1 स्पून, एक पिंच सोडा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, एक पिंच डालना है सॉफ्टनेस के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, दूध पानी कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही इसको मिलाना है। इसको मिलाने के बाद इसको एक 15 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे, रेस्ट करने छोड़ देंगे। अभी चीनी लिया है, 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी में 1 लीटर पानी डाल के गैस पर रख देते हैं और एक कढ़ाई में 1 लीटर रिफाइंड ऑयल लिया है, प्योर रिफाइंड ऑयल, तला हुआ नहीं लेते हैं, प्योर रिफाइंड ऑयल लिया है। देखिए, ये मैदा और खोवा रेडी हो गया है। इसको लोही बना लेंगे, ऐसा राउंड राउंड करके लोही बन गया है। देखिए, इसको ऐसा शेप देंगे, लंबा करने से बहुत अच्छा होता है गोल गोल करने के बदले। देखिए, इस साइज में अपने साइज अनुसार हम कर सकते हैं ऐसा। ये आधा किलो में 40 गुलाब जामुन आराम से बन सकता है, 1 किलो में 80 गुलाब जामुन बनता है। अभी देखो, चाशनी रेडी हो गया है। इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ, आधा लेमन का जूस, एक आधा स्पून, 1 स्पून जितना लेमन जूस, क्योंकि इसमें शाइनिंग आता है। रोज एसेंस डाल रही हूँ 1/4 बूंद और फूड कलर डाल रही हूँ। देखिए, जामुन सारा रेडी है। अभी तलेंगे इसको। तलने का भी एक मेथड होता है, उस अनुसार हम तलेंगे तो जामुन अच्छा बनता है। देखिए, अभी तेल भी गर्म हो गया है, इसमें मैं गुलाब जामुन डाल रही हूँ। बीस गुलाब जामुन डाल रही हूँ, एक ही बार 20 तल जाता है क्योंकि बड़ी कढ़ाई है। देखिए, ऐसा घुमाते ही रहना है, हाथ नहीं छोड़ना है। हाथ छोड़ने से एक तरफ वाइट रहेगा, एक तरफ कलर आ जाएगा, ऐसा घुमाते ही रहना है। देखिए धीरे धीरे कैसा ये फूल रहा है, ऐसा घुमाते ही रहना है। देखिए, ऐसा ना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए, चारों तरफ एक ही कलर, इतना अच्छा गुलाब जामुन तैयार हो गया है। अभी ये बन गया है, अभी इसको मैं निकाल रही हूँ। निकाल के जो चाशनी बना के रखा है ना, उस गरम गरम चाशनी में ये डाल देंगे। ऐसा सब जामुन निकाल रही हूँ, इसमें सारा तेल निकल जावे। इसको अभी चाशनी में डाल रही हूँ। देखिए, दूसरा स्पून लेके इसको एक बार ऐसा घुमा लेंगे। अभी जो बचा हुआ जामुन है ना, वो भी तल रहे हैं, वो भी कढ़ाई में डाल रही हूँ, वो भी ऐसे ही तल लेंगे। ऐसे ही कंटिन्यूस इसको घुमा लेंगे। देखिए, कलर आ गया है। अभी इसको उसी चाशनी में डालेंगे। पहले वाला जामुन मैं एक डब्बे में निकाल दिया है, अभी वो चाशनी खाली है, वो भी थोड़ा गर्म करके चाश उसी में
ये गुलाब जामुन भी डालेंगे तेल सारा ऐसा निकाल के। देखिए फिर से इसको थोड़ा घुमा लेंगे और 10-15 मिनट के बाद इसको बॉक्स में शिफ्ट कर लिया है। देखो सारा गुलाब जामुन एक ही साइज में कितना सुंदर तैयार हो गया है।